Welcome to the fifth batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of the Swayam Prabha live conferencing of your batch. I am Dr. Gloria Kujur, faculty member of STRIDE and one of the team members of NEP PDP program. Today we have with us Professor Santosh Panda senior faculty of distance education and director of stride ignu. sir, is also the national coordinator of the nep pdp program. sir, we welcome you to today's session on the topic, internationalization of education. sir, may i request you to now deliver your lecture. so thank you, dr. gloria and friends. welcome to this presentation. NEP 2020. और क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विदेश से हमारे देश को और हमारे देश से विदेश को आने जाने पढ़ने का और जो कई इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने जो है एन के मुद्दे हैं कई मुद्दे हैं इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़ जो इंटरनेशनलाइजेशन के मुद्दे हैं कि भारतीय संस्कृति बाहर जाए और हमारा करिकुलम उसी तरह बने और उसी तरह हो मल्टीडिसिप्लिनरी हो वो तमाम चीज़ें उसमें भी लागू होगा क्रेडिट ट्रांसफ़र हो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी बातें कही गई हैं मल्टीडिसिप्लिनरी हो मल्टीपुल एंट्री एंड एग्जिट हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो ये तमाम चीज़ें उसमें भी शामिल होता है तो इंटरनेशनलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र उसके बारे में ख़ास करके हम लोग बात करेंगे आपको जानकारी होगा उन्नीस में नाइनटीन डब्ल के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत सभी देशों ने लगभग कुछ देशों को छोड़ के सभी देशों ने ये साइन किया था कि हम आपस में फ्री ट्रेड डिलीवरी फ्री ट्रेड एक्सचेंज करेंगे आपके सामान हमारा आएगा हमारा सामान आपके पास जाएगा जो तारीफ बीच में होगा वो तारीफ़ के भी एक नेगोशिएशन होगा कि आप एग्री करेंगे हम कितनी तारीफ करेंगे जैसे अमेरिका और चाइना का तारीफ के बारे में लास्ट uh, प्रेसिडेंसी में बहुत झगड़ा हुआ तो तारीफ बहुत बड़ा मायने रखता है उसमें ये तय हुआ था 1995 में जिसमें इंडिया भी भारत भी सिग्नेटरी है ये कहा गया कि साहब एजुकेशन जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कमोडिटी एंड सर्विस एंड देयर फोर ए ट्रेडेबल कमोडिटी और सर्विस सभी सामान के साथ एजुकेशन का सामान थोड़ी सा अजीब लगता है लेकिन ऐसे ही तय है इंटरनेशनली ये बातें हालांकि ये बातें काफ़ी हद तक अच्छी बातें हैं कि आज तक लिबरलाइजेशन हुआ देश में नरसिम्हा राव की सरकार से 1991 ऑनवर्ड्स इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ न्यू लिबरलिज़्म में काफ़ी हावी हुई बातें जो लोग चर्चा करते हैं ये अच्छी बात नहीं है और सामाजिक संतुलन के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन भारत के लिए कोई रास्ता नहीं था चाइना हमारे से बहुत आगे निकल गया है इस में नाइनटीन सेवेंटी ऑनवर्ड्स और हम 1991 में लिबरलाइजेशन तरफ चले जो नतीजा आज हमारे सामने है बहुत बड़ा वृद्धि बहुत बड़ा डेवलपमेंट ग्रोथ तमाम चीज़ें हुई है और इंडिया का भारत का जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ा है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी मायने रखता है और, और गोल्ड रिजर्व भी मायने रखता है ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स आई कैन अप्रिशिएट दैट और आप लोग थोड़ी बहुत इसको समझते होंगे कि इसमें ग्रॉस नेशनल और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और पर कैपिटल इनकम में भी इसके ऊपर एक जने हर जने का जो आमदनी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है तो इसलिए ये एक रियलिटी है इससे हमें कोई बाहर नहीं जा सकते लेकिन भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये पहली बार कहा है इन पब्लिक डोमेन कमिट किया है दैट एजुकेशन इज ए पब्लिक गुड तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन के लिए सरकार इसके जिम्मेदार है और सरकार इसके ऊपर खर्चा करेगा एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है कि शिक्षा के मामले में जैसे सभी चीज़ों के मामले में शिक्षा के मामले में भी विदेश और देश में आने जाने का जो पाबंदी है उसको हम हटा रहे हैं फ्री ट्रेड में शिक्षा भी शामिल होगा उसको डबल डबल टी ओ गैट्स कहते हैं जी ए टी एस जो आपके स्क्रीन में है जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड सर्विसेस उसको कहते हैं जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड एज वेल एज सर्विसेस दोनों सेक्टर है और शिक्षा जो है ट्रेडेबल कमोडिटी एंड सर्विस इसमें शामिल होता है हालांकि 2020 नेशनल पॉलिसी के तहत हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन इज एज ए पब्लिक गुड ओ, सरकार जिम्मेदारी है सो so, देरफोर ये दोनों को शामिल करते हुए लेकिन जो चार मोड ऑफ डिलीवरी की बातें कही गई थी आपकी स्क्रीन पर सामने हैं मोड वन डिलीवरी जिसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई उसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम है एक देश से दूसरे जाएगा दूसरे देश से हमारे देश आएगा तो उसका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत ज़्यादा हो सकता है दूसरा ये है या ये भी हो सकता है जो मैं बात करूँगा मोड थ्री में तो आप कहेंगे कि ये दूसरे कैंपस भी जा सकता है हमारे कैंपस विदेश में और विदेश का कैंपस हमारे पास भी आ सकता है वो मोड थ्री के तहत डिफाइंड है इंटरनेशनली सभी उसको मानेंगे मान्यता है दूसरा मोड ऑफ डिलीवरी है कंजप्सन एब्रॉड इसका मतलब ये हुआ हमारे स्टूडेंट विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए विदेश के स्टूडेंट हमारे पास आएंगे उसके भी आंकड़े की थोड़ी जांच करेंगे देखेंगे किस तरह वृद्धि हुआ है कैसे हुआ है और ये गेट्स की सेकंड मोड ऑफ़ डिलीवरी है तीसरा मोड ऑफ डिलीवरी कमर्शियल प्रेजेंस उसको कहते हैं दैट इंस्टीट्यूशन मूव करेगा इसका मतलब ये है कि हमारे देश का यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कैंपस विदेश में खोलेंगे विदेश का हमारे देश में खोलेगा लेकिन इस मामले में आज तक ये हुआ है प्रोग्राम और संस्था के बारे में आज तक था लेकिन कुछ शायद एक दो महीना पहले ये बदला हुआ है कैसे क्या था पहले ये था कि कोई भी विदेश हमारे देश में आएंगे वो डायरेक्टली अपनी प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते और वो हमारे किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ वो एम ओ यू करेंगे कोलैबोरेट करेंगे जिसको कहते हैं ट्विनिंग प्रोग्राम मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत और जिक्र करूँगा ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत वो हमारे साथ कोलाबोरेट करके जो इंडिया का विश्वविद्यालय है कॉलेज है वही डिग्री अवार्ड करेंगे विश्वविद्यालय डिग्री अवार्ड करेंगे ऑटोनोमस कॉलेज है तो खुद ही करेंगे नहीं तो कॉलेज नहीं कर पाते विश्वविद्यालय डिग्री अवार्ड करेंगे आज तक ये था लेकिन उसमें एक हाल ही में रेगुलेशन यू का आया है जिसको कहते हैं ट्विनिंग प्रोग्राम डुअल डिग्री एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम रेगुलेशन 2022 उसके तहत क्या हुआ है उसके तहत ट्विनिंग प्रोग्राम चल रहा था उसको और मजबूत किया गया वो तो चल ही रहा था लेकिन दूसरा ये है कि आप डूअल डिग्री दे सकते हैं एक बाहर के विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय दोनों मिलकर एक डिग्री दे सकते हैं जिसमें कहा गया कि तीस से ज़्यादा किसी के कोर्स क्रेडिट ना हो स्पेशली विदेश इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए विदेश का कोई संस्था एजुकेशन संस्था 30 परसेंट नहीं इससे ज़्यादा नहीं दे सकते और जो डिग्री होगा और जो क्रेडेंशियल जिसको मार्कशीट स्कोर कार्ड ग्रेड कार्ड आप कहते हैं तो उसमें ये मेंशन होगा कि कौन सा कोर्स आप विदेश से लिए हैं उसमें ग्रेड किस तरह का है और दोनों का डुअल डिग्री में सॉरी जॉइंट डिग्री में दोनों का नाम वो डिग्री में लिखा जाएगा डुअल डिग्री में ये होगा कि आप एक डिग्री यहाँ से कर रहे हैं तो दूसरी कोई दूसरी संस्था फेस टू फेस उसी शहर में है या दूसरे डिस्टेंस लर्निंग से आप उसको कर सकते हैं वो विदेश में भी लागू होता है आप अगर देश में एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो विदेश से भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं देअर फॉर कमर्शियल प्रजेंट्स में हमारा संस्था विदेश जाएंगे विदेश का संस्था आएंगे और हाल ही में जो गुजरात में हुआ है पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ है विच वुल बी लार्ज स्किल इन द कंट्री कि विदेश की, की संस्था जो है दे है बिन अलाउड टू एंटर टू ओपन कैंपस इन इंडियन सॉयल जो पहले नहीं हो पाता था उससे ये होगा वो इंडिपेंडेंटली अपनी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफर करेंगे और भारतीय जो संस्था है उनके साथ कम्पीट करेंगे हो सकता है वो कोलेबरेट करें हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली ऑफर करें ये तीसरा मोड है चौथा मोड है डिलीवरी अब्रॉड जिसमें टीचर्स और दूसरे देश जाते हैं जिसको फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कहें या विदेश के टीचर यहाँ के पढ़ा सकते हैं यहाँ के टीचर विदेश में पढ़ा सकते हैं ऐसे बहुत हुआ है हमारे टीचर ज़्यादा विदेश गए हैं और विदेश का टीचर हालांकि कम आए हैं लेकिन दोनों तरफा हुआ है थोड़ी मोड वन क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी की बातें कर लेते हैं कि आज की स्थिति है क्या उससे फिर इंटरनेशनलाइजेशन के थोड़ी और मुद्दे उसकी चर्चा करेंगे जैसे हमारा विश्वविद्यालय है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो हमारा 26 ओवरसीज स्टडी सेंटर है किस जमाने में 45 देश में हुआ करता था आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूल के तहत कम हो गया और इस वक्त हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हैं और वो सब रेगुलेशन से हट गए और हम डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी हमारी तरफ़ से डिफरेंट कंट्रीज़ में नेगोशिएट करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं पंद्रह देश में छब्बीस ओवरसीज सेंटर इस तरह इस वक्त हमारा है चार साउथ के साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो नंबर वन पर चल रहा है इन क्यूएस रैंकिंग हालांकि दो के तहत नहीं आ पाए दो के बाद का इंडियन इंस्टीट ऑफ साइंसिस नंबर वन तो वो चल रहे हैं आई और 48 ऐसे इंडियन विश्वविद्यालय हैं जो किसी ना किसी तरह कोलाब्रेशन विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी ट्विनिंग प्रोग्राम में शामिल है जो ट्विनिंग प्रोग्राम चल भी रहा था जिसको ये रेगुलेशन 2022 उसको मजबूत कर रहा है टाटा इंस्टीटूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस 2022 और 23 में एकेडमिक सेशन में दो इंटरनेशनल डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया इस कॉल्ड ए ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम चालू है रियलिटी है हकीकत है दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सितंबर 12 2022 में उन्होंने शुरू किया इसका मतलब पिछले महीने 26 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो यू को सबमिट किया है कि हम इसमें शामिल होंगे हम डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक 16 मेंबर का कमेटी बनाया हुआ है जिसमें आईआईटी और वाइस चांसलर्स डायरेक्टर सब हैं एक रोड मैप बनाएंगे कि फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स टू तो अलाउ ओवरसीज कैंपस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कि भारत की कौन से कौन से आपको पता होगा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को इजाज़त था बाई रेगुलेशन के साथ आप विदेश में अपनी आ, प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर खोल सकते हैं इन कोलाब्रेशन वो आपकी स्टडी सेंटर नहीं होगा किसी का होगा आप इसको एक्रेडिट करेंगे लेकिन इस वक्त ये कमेटी उसको जांचेगा, कौन सा कौन सा संस्था हो सकता है जो एन रैंकिंग में शो में आए जो ए डबल प्लस नेक की ग्रेड हो कोई भी ऐसे क्राइटेरिया बने वो संस्था विदेश में अपना कैंपस खोल सकता है थोड़ी और चर्चा मोड वन डिलीवरी के अड़तालीस फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो यू के ट्विनिंग प्रोग्राम को और डुअल डिग्री जॉइंट डिग्री प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड किए हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यू के में क्वेंसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया टोक्यो इन जापान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वेरी प्रस्टिजियस इन यू एस नंबर वन चल रहा है यू रैंकिंग में ये सब विश्वविद्यालय उन्होंने कहा हम या ट्विनिंग या डुअल डिग्री या जॉइंट डिग्री प्रोग्राम इंडिया में शुरू करेंगे नीपा नेशनल इंस्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन 2021 की सर्वे बताता है कि आठ फॉरेन विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इंडिया में कैंपस खोलना चाहते हैं और 2022 में वो संख्या काफी बढ़ गया है दो फ्रॉम यूएसए, यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा आल्सो यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी एक टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट जो रैंकिंग है टी एच ई एस रैंकिंग यू का तो उसमें एक हज़ार में जो आए या क्यू एस रैंकिंग रैंकिंग में आए इसमें संघाई रैंकिंग शामिल नहीं है और इंडिया में 100 जो एन आई आर एफ ऑफ रैंकिंग में जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क में या नैक में जो 3.01 पॉइंट सिक्योर किया हो विश्वविद्यालय तो उनको इजाज़त है कि साहब वो फॉरेन में ये कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस इसको भी इस्टाब्लिश करने के लिए जो जिनको इजाज़त होगा वो विदेश में विश्वविद्यालय या अपने कैंपस खोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मांगा है कि आपकी 10 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है उसमें फाइव ईयर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया है और यूजीसी वो तमाम एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा देर इज़ एन एम्पावर्ड एक्सपर्ट्स कमिटी एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑल्सो ऑप्टन परमिशन from मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इजाजत लेना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लेना पड़ेगा अब इग्नो का तो ये जरूरत नहीं है लेकिन आगे जो ये रूल आएगा तो उसके तहत देखना पड़ेगा भाई इग्नो के लिए ये लागू कितने हो पाता है मोड टू डिलीवरी कि कंजाप्शन एब्रॉड मतलब आपकी स्टूडेंट कितनी बाहर जाते हैं कितनी बाहर के स्टूडेंट आपके पास आते हैं आपके सामने आंकड़ा से लेके 2014 तक है उसके आगे भी आंकड़ा थोड़ा बताऊंगा आप पूरी पूरी विश्व में देखेंगे वर्ल्ड में 2006 में 30 लाख और 2014 में 15 लाख 5 मिलियन ,00 एंड 3 मिलियन ,00 जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं एक देश से स्टडी एब्रॉड जो प्रोग्राम है यूएसए सबसे नंबर वन है नंबर वन देखा जाए तो चाइना है उसके बाद यूएसए है यूके उसके आ, इंडिया भी कोई कम नहीं है तो इंडिया लगभग तीसरा पोजीशन में है चाइना यूएसए एंड नंबर थ्री इज इंडिया लगभग दो और इस वक्त 2022 में लगभग ढाई लाख बच्चे जो हैं विदेश में पढ़ने के लिए आते हैं कहाँ जाते हैं उनके आंकड़ा मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा और विदेश से जो पढ़ने के लिए आते हैं उसके भी आंकड़े की मैं चर्चा करूँगा पहले मोड की बात हो जाए मोड तीसरा जो मोड है डिलीवरी डब्ल गेट्स का है कमर्शियल प्रेजेंस तो उसमें मोबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन थ्रू ब्रांच कैंपस आप बाहर बनाएंगे आइदर जॉइंट वेंचर विच इज़ मोस्ट इंटेंसिस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केट एक्सेस मार्केट डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी चलेगी वहाँ आपकी कैंपस कितनी चलेगी उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा किया तो उसके बारे में जो गुजरात में हाल ही में हुआ है कि विदेश का संस्था इंडिया आएंगे कैंपस बनाएंगे और जो इंडिया का संस्था है उसके लिए एम्पावर्ड कमेटी बनी है जो तैयार करेगा लगभग 2023 से ये चालू हो जाएगा मोड फोर डिलीवरी अब्रॉड टीचर्स दूसरे देश जाएंगे पोटेंशियल मार्केट है हमारा बहुत सारे टीचर्स अफ्रीका में पढ़ाते हैं और भी अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज में हैं लगभग सेटल्ड हो गए हैं जो दूसरी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वो वापस आते हैं लेकिन पढ़ाते हैं कोई ना कोई इंटरनेशनल स्कीम में गए हैं या विश्वविद्यालय का स्कीम है अब मैं वाकिफ़ हूँ लेकिन ज़्यादा समय नहीं इस बारे में बात करने के लिए लेकिन जरूर जाते हैं इंटरनेशनल प्रोफेसर्स दे कम टू इंडिया ज्ञान के प्रोग्राम में जो शुरू हुआ था जी आई ए एन उसके तहत आपकी कैंपस में भी इन्वाइट किए होंगे फॉरेन प्रोफेसर्स जिसके लिए यू जी सी फंडिंग से तो उनको पेमेंट किया जाएगा और इंडियन प्रोफेसर्स भी विदेश जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया इन इंडिया कितने पढ़ने के लिए आए वो तो बात था कितने हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हम तीसरी पोजीशन पर है लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम काफ़ी कमज़ोर स्थिति पर हैं आप देखेंगे 1995 से डाटा आपकी 2013 तक हैं और थोड़ा टोटल एंकड़ा मैं 2022 तक भी बताऊंगा आप देखेंगे जो अफ्रीकन जो एशियन कंट्रीज हैं उससे सबसे ज़्यादा दो में इकतीस जैसे यूनिवर्सिटी पुणे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है ऐसे पुणे में और भी संस्था है सिम्बे है बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर करते हैं पर सरकारी विश्वविद्यालय को भी कम नहीं करते हैं तीस से पैंतीस से चालीस हज़ार स्टूडेंट इस वक्त फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी एशिया से आते हैं दूसरे आंकड़ा अफ्रीका से तीसरा आंकड़ा आपका दूसरे और देश शामिल करें चौथा अमेरिकाज़ मतलब यू एस ए साउथ अमेरिका कनाडा लगाते हुए और यूरोपियन कंट्री में सबसे सबसे कम ओशिया से आते हैं छोटे छोटे देश हैं और यूरोप सबसे नीचे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया लेकिन ये आंकड़े आप थोड़ा सा अगर ये पावर पॉइंट आप डाउनलोड करेंगे इसको आप बारीकी से देख सकते हैं तो उसमें तीस जो है आपके लेटेस्ट फिगर हमारे पास है 2019 में पचहत्तर हजार स्टूडेंट तक चला गया था कोविड के कारण वो घटके लगभग 23 चौबीस हज़ार दो हज़ार इक्कीस में और 2022 में थोड़ा बढ़ गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं कौन सा देश से आते हैं आपके सामने हैं सबसे ज़्यादा आप देखेंगे नेपाल उसके बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश सूडान भूटान नाइजीरिया यूएस, एस श्रीलंका ईरान इस्लामिक रिपब्लिक इस देश से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और साउथ एशियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान भी आप अगर इसी कॉन्टिनेंट में ले लें तो बॉर्डर है आ, इंडिया का बॉर्डर हुआ करता था जब ग्रेटर इंडिया था ईरान वाज बॉर्डर अफगानिस्तान वाज बॉर्डर तो उससे भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं बिकॉज वी हैव ए ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद दिस कंट्रीज़ कैसे कौन सा प्रोग्राम पढ़ते हैं आपके सामने जो आंकड़ा है तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 73, 74 परसेंट स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ते हैं कॉलेजेस में और पोस्ट ग्रेजुएट लगभग 16-17 परसेंट और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग पीएचडी 10-11 परसेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एन 2020 क्या बता रहा है इंटरनेशनलेशन के बारे में पहली बात यह है कि कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स जो प्रमोट किया जाएगा वो सबसे ज़्यादा हमारी एम्फोसिस रहेगा कि हमारे जो भारतीय धरोहर के इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए और जब जो भी प्रोग्राम हमारा विदेश में जाए चाहे डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू जाए तो उसमें इंडियन कल्चर आर्ट ट्रेडिशन हिस्ट्री उसमें शामिल हो इंडियन लैंग्वेज शामिल हो ट्रेडिशनल लैंग्वेज खास करके संस्कृत शामिल हो इंडोलॉजी इंडियन लैंग्वेज़स आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक यूनानी तमाम जो है सिस्टम होम्योपैथी लगाते हुए ये शामिल हो इसको प्रमोट किया जाए योग शिक्षा शामिल हो आर्ट म्यूज़िक हिस्ट्री कल्चर मॉडर्न इंडिया जो आज की तारीख का जागरूक इंडिया है वो भी उसमें हिस्ट्री में पढ़ाने में शामिल हो पहली बार दूसरी बात इन्होंने कहा है कि एन कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस हर संस्था में खोलें ताकि वो पहला शुरुआत है जिसको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे रिसर्च टीचिंग कोलाबोरेसन एंड फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज हो जो बड़ा मुद्दा है जिसको बड़े पैमाने में किया जाए म्यूचुअल बेनिफिशियल एम साइन किया जाए विद फॉरन यूनिवर्सिटीज़ टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड टू बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया उन्होंने कहा है इसी वक्त एक हज़ार की यू ने बात किया है बट सो so, जो सबसे बड़ा टॉप रैंकिंग क्यू एस टी एच ई एस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आ, जो आ, शामिल हैं उनको पहला अलाउ किया जाएगा मेरी जानकारी में है कई सारे विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े हैं यूके की कनाडा की यूएसए उन्होंने अपनी ज़मीन भी खरीद ली है तो वो जमीन खरीदे हैं तो कैंपस ज़रूर बनाएंगे लेकिन जमीन बहुत साल पहले से ख़रीदे थे जो एजुकेशन जोन हैं आपके बगल में दिल्ली में हरियाणा का राजीव गांधी एजुकेशन जोन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों का उसमें ज़मीन है तो वो लोग वहाँ से एजुकेशन जोन में खोल सकते हैं गुजरात में जो एक एजुकेशन जोन खोला है बड़ौदा में तो उसमें इन लोगों ने काफी विस्तार रूप से इसको एस्टैब्लिश करेंगे फाइनली क्रेडिट्स एक्वार भी काउंटेड फॉर एवार्ड ऑफ ए डिग्री तीस परसेंट तक अभी बात की गई है कि आप डुअल डिग्री में भी जॉइंट डिग्री में भी इसको शामिल करेंगे ये भी आगे थोड़ा सा तय होगा कि क्रेडिट ट्रांसफर जो होगा कितने किस परसेंटेज तक क्रेडिट ट्रांसफर हो मीनिंग दाय जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंफर्म करेगा चाहे वो नैक्स स्टैंडर्ड हो एन आई आर एफ स्टैंडर्ड हो टी एच ई एस स्टैंडर्ड हो की यू एस स्टैंडर्ड हो सांगाई रैंकिंग स्टैंडर्ड हो या एनी अदर स्टैंडर्ड क्योंकि इंडिया का जो एक्रेडिटेशन सिस्टम वो काफ़ी बदल रहा है हो सकता है कल को मेनी प्राइवेट प्लेयर्स माइट बी अंडर गाइडेंसर मॉनिटरिंग विल बी टू टीब्यूट टू एक्रेडिटेशन असमेंट सिस्टम लाइक द यू एस तो अगर ऐसा हो तो जो क्रेडिट होगा मान्यता वही विश्वविद्यालय जो इसको कन्फर्म करेंगे उन्हीं के बीच में आपस में क्रेडिट ट्रांसफर होगा कोई मना नहीं कर सकता अगर कोई 40% परसेंट क्रेडिट विदेश में किया है 60% परसेंट इंडिया में किया है तो उसको 60% परसेंट विश्वविद्यालय जो है इंडिया में उसको अवार्ड करेगा लेकिन 40% परसेंट क्रेडिट जो बाहर का है उसको मान्यता देना पड़ेगा ओनली 60 परसेंट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया से जो क्रेडिट लेंगे विदेश का स्टूडेंट अगर अपने देश वापस चले जाते हैं दैट क्रेडिट विल वो इक्वली ट्रांसफर्ड टू दैट कंट्री फॉर द अवार्ड ऑफ़ द डिग्री एन ई और थोड़ी बातें क्या कह रहा है इंटरनेशनल लाइजेशन के बारे में दैट जो संस्था है हायर एजुकेशन की वो अप टू 25 फाइव परसेंट सुपरिमरस सीट क्रिएट करेंगे फॉर फॉरन स्टूडेंट्स मीनिंग दे आर बाय कि आपके पास जितनी सीट्स हैं ओवर एंड एबव आप 25 परसेंट सीट उनमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडिशनली आपको मिलेगा तो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप कमा भी सकते हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को विदेश में फैला भी सकते हैं पहली बात अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दूसरा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना ज़रूरी है और इस वक्त आई एम नॉट वेरी श्योर बट देर इज ए

यू गाइडलाइंस ये बताता है इस वक्त यू गाइडलाइंस सर्कुलेट हुआ है यू गाइडलाइंस बताता है कि इंडियन हायर एजुकेशन संस्था जो है उसमें इंटरनेशनल डायमेंशन करिकुलम में साइंस सोशल साइंस स्टेम होना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इसमें सबसे ज़्यादा जोर है और इनको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करिकुलम करना पड़ेगा नंबर टू ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज कोर्सेज एंड ब्रीज कोर्सेज भी करने पड़ेंगे जो विदेश से पढ़ने के लिए आएंगे तो वो भारतीय भाषा जो है उसके बारे में भी जानकार लेंगे जैसे इस वक्त बहुत सारे विश्वविद्यालय चाइनीज़ लैंग्वेज इंडिया में पढ़ा रहे हैं और इंडिया का हिंदी और संस्कृत चाइना में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि दोनों देश इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से प्रोग्रेसिव हैं डिवलपमेंट में मामले में तो ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में सो देअर फॉर एक दूसरे का लैंग्वेज खास करके इंडियन लैंग्वेज वो पढ़ें जिसके लिए सर्टिफिकेट एडिशनल कोर्सेज हों तीसरा ऑफरिंग शॉर्ट टर्म निस्स कोर्सेज जिसको उसको फ़ायदा हो उसके देश में जो कोर्सेज की डिमांड है जो स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उसको हमारी संस्था भी शुरू करें रिकग्निशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिसके एमओयू और एग्रिया मेमोरेंडम एग्रीमेंट के तहत तय किया गया हो क्रिएसन ऑफ मूक्स एंड ई कॉन्टेंट जो उनको फ़ायदा हो वंस दे गो बैक दे कैन ऑल्सो डू कोर्सेज थ्रू मूक एंड ई कॉन्टेंट और इंडिया में रहते हुए पढ़ते हुए वो भी साइड बाई साइड मूक और ई कॉन्टेंट इंडियन लैंग्वेज कल्चर हिस्ट्री आर्ट म्यूजिक उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं एंड फाइनली क्रिएसन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो जिसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसको तय किया जाए और उसको नैक रैंकिंग एन आर एफ रैंकिंग के साथ उसको शामिल किया जाए बराबरी में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को और जिसके तहत इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं उनको शामिल करके जो मेन इंडिकेटर्स हैं उनको सारे संस्था फॉलो करें जो इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि उनके क्रेडिट तभी जाके ट्रांसफ़र हो पाएगा या विदेश में पढ़ा हुआ क्रेडिट तभी इंडिया में ट्रांसफर हो पाएगा फाइनली दिस माई फाइनल पावर पॉइंट फ्रेंड्स फाइनली देफ क्या हमको करना है और चैलेंज आगे कैसा है पहला कि साहब इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा विदेश का स्टूडेंट उस तरह साइंस uh, टेक्नोलॉजी और जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स में ज़्यादा आते हैं तो इसलिए उनको पढ़ने में दिक्कत होगा देयर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट देर पहला चीज़ है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस में है तो कैंपस की तमाम चीज़ें हॉस्टल से ले कर के, कैंटीन से ले कर तमाम चीज़ें लाइब्रेरी से ले कर ये तमाम चीज़ों को खास करके इंटरनेट एंड आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना ज़रूरी है दूसरा करिकुलम और टीचिंग और रिसर्च के लिए हमको इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ मतलब ये है कि जो विदेश में जो चाह जा, जो ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट्स हैं क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो करिकुलम है चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल फार्मास्यूटिकल डेंटिस्ट या सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज में हम लोग काफ़ी सख्त हैं हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक है वी हैव ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिन बाइंड ब्लाइंडनेस और डिसिप्लिनरी बाउंड्री हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है मल्टा डिसिप्लिनरी तो करना ही पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम को मेंटेन करना पड़ेगा जो उपलब्ध है आ, आ, कोई भी विश्वविद्यालय का हम एक्सेस कर सकते हैं और उनके की किस ढंग से खाली करिकुलम नहीं है करिकुलम डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी असेसमेंट स्ट्रेटजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड टेक्नोलॉजल लर्निंग उसके तहत अगर ये काफ़ी क्वालिटी बढ़ा नहीं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा मीनिंग दे बाय क्या होगा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस खोलेंगे तो वो कम फीस में सेम क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में सेम यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम स्टैनफोर्ड हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड एंड सो वन एंड सो फोर्थ ऑफर करेंगे तो हमारा जो अच्छे स्टूडेंट हैं वहाँ चले जाएंगे अमेरिका कनाडा ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे उन्हीं के विश्वविद्यालय इंडिया में पढ़ेंगे तो आवर ओन स्टूडेंट्स पब्लिक एंड प्राइवेट दे विल लूज स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स टू दोज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सही होगा तो देयर फॉर अगर हम उसी तरह कॉम्पिटेटिव वी हैव एन एडवांटेज बिकॉज जो पढ़ेगा वो कोई भी सब्जेक्ट प्रोफेशनल एजुकेशन खास करके वो पढ़े लेकिन वो उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही पढ़ेगा एक वेलेंट स्टैंडर्ड में पढ़ेगा लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया में इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को ज़्यादातर हमारा विश्वविद्यालय बेहतर पढ़ा सकते हैं देन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एस्टाब्लिशिंग देयर कैंपस इन इंडिया तो इसलिए हमको इंटरनेशनलाइजेशन करिकुलम टीचिंग लर्निंग तमाम चीज़ों में आ, करना पड़ेगा जो इस वक्त टाइम नहीं है डिटेल डिस्कस करने में बट इवन इफ आपका सवाल होता है तो उसमें बात कर सकते हैं म्यूचुअल नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर स्टूडेंट एंड टीचर मोबिलिटी जॉइंट डिग्री एंड डुअल डिग्री ये यू का रेगुलेशन 2022 का आ चुका है और बहुत सारे विश्वविद्यालय अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किए हैं तो उसको जांच रहा है कुछ विश्वविद्यालय के गिवन दे तो, तो ये तमाम चीजें जो जॉइंट डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत हो सकता है बिसाइड्स एस्टाब्लिशिंग देयर कैंपस इन इंडिया ऑफशोर कैंपस डेवलपमेंट कोई भी हमारा संस्था जाके विदेश में खोलते हैं मैं कुछ विदेश का ऐसे संस्था में गया हूं जो इंडियन कैंपस बाहर है दुबई से लेके और देश में मॉरिशस और कई देश में है अफ्रीका में है तो वहाँ कैंपस मजबूत होना ज़रूरी है बिकॉज द मार्केट इन दोज कंट्रीज इज़ इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब लागू होता है तो हमारा कैंपस से लेके करिकुलम से लेके टीचर क्वालिटी से लेके तमाम चीज़ें और पढ़ाने के तरीक़े ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत आ जाते हैं हमको कम्पीट करना पड़ता है तो इसलिए उसमें बेहतरीन होना जरूरी है रेगुलेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफर इंजार उसकी है कि क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफर किस तरह हो वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी चर्चा में है कभी दो चार दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने देश के उसको विन्मोचन किया कि नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्रेडिट फ्रेमवर्क सॉरी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी चर्चा में है अगर वो तय हो जाए तो उसमें क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफर भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र हमारे देश में और इंस्टीट्यूशनल क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफर विदेश और हमारे बीच में ये तय हो पाएगा और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरे लिए मायने रखता है तो वो टीचर प्रोफेशनल डिवेलपमेंट टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट जो वाइस चांसलर्स प्रिंसिपल्स डीन्स हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज में हैं उनके भी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड व्यू उनकी एटीट्यूड उनकी कॉम्पिटेंसीज इनको डेवलप करने की ज़रूरत है बदलाने की ज़रूरत है जो इंटरनेशनलाइजेशन के तहत हो इसका मतलब है वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड करिकुलम और हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा इनको सामने रखते हुए एक बेहतरीन करिकुलम फ्रेमवर्क टीचिंग लर्निंग हम प्रदान कर पाएँ हम टीचर और हमारी एजुकेशन लीडरशिप उनके जिम्मेवारी बनता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको आगे टेकअप करना जरूरी है और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके तहत ये छः दिन का प्रोग्राम हो रहा है नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जी जिसने अप्रूव किया है पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के तहत ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है जिसमें आप शामिल हैं बड़ा प्रस्टिजियस प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इस चीज़ को आ, आ, एड्रेस करता है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट इसको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो उसको रखिएगा और सवाल आपने भेजे हैं तो उनके हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी मच Thank you very much, sir, for a very interesting and informative presentation. Enjoy.